नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्जायाणम् सर्वसाहूणम् ईसु पञ्च नमो यारु सर्वपावपणासनु मङ्गलाणं च सर्वेसिं मम हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलि पण्डतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा द्योतकन्दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततांजनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्ब
द्विपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् तुभ्यन्नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यन्नमः क्षितितलामलभूषणाय त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यन्नमो जिनभवो दधिशोषणाय सत्ताईसवें काव्य तक अपन ने अर्थों को दोहराया था। इसके आगे अष्ट प्रातिहार्य वाले काव्य हैं, भगवान के विहार वाला काव्य है, धर्मोपदेश की प्रक्रिया अद्वितीय है इस बात को कहने वाला एक काव्य है, फिर आठ संकटों वाले आठ बल्कि नौ काव्य हैं, और फिर एक उपसंहारात्मक काव्य, और अंत में स्तोत्र का समापन है। तो पहले अपन प्रातिहार्यों का एक चित्रण देख लेते हैं। उच्चारण तो अपन पाठ पूरा का पूरा करने वाले हैं बाद में, पहले अपन सीधे अर्थ देखते हैं। सबसे पहले अशोक तरु प्रातिहार्य सहित जिनेन्द्र भगवान कैसे शोभित हो रहे हैं, तो ऊंचे अशोक तरु के नीचे विराजमान उन मयूक अर्थात जिस छवि में से, जिस रूप में से, भगवान की जिस आकृति में से किरणें उठ रही है, ऐसी वो छवि, निर्विकार छवि अत्यंत शोभित होती है। किसके समान? तो अशोक तरु के नीचे भगवान की छवि है, तो वो छवि ऐसी शोभित होती है जैसे किसी बड़े भारी बादल के नीचे सूर्य का बिंब हो। बादल ऐसे ऊपर की ओर हो और नीचे सूर्य का बिंब हो, सूर्य की किरणें विस्तृत हो रही है, फिर बादल के चारों तरफ एक सुनहरी रेखा भी खिंच रही। कभी आपने देखा होगा सूरज नीचे की तरफ हो और ऊपर बहुत बड़ा काला बादल हो तो उसमें एक सुनहरी रेखा बन जाती है, गोल्डन लाइन आउटलाइन बनती है, और कहीं बीच बीच में अगर बादलों में थोड़ा स्थान रहता है तो वहां से किरणों के गुच्छे ऐसे निकलते हुए दिखते हैं। तो भगवान अशोक तरु के नीचे बिल्कुल वैसे ही शोभित होते हैं। फिर सिंहासन पर कैसे शोभित होते हैं? तो सिंहासन स्वर्ण सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन, अनेक प्रकार के रत्न लगे हुए हैं जिसमें, तो उन रत्नों की रंग बिरंगी किरणें निकलती है सिंहासन से, और ऊपर भगवान प्रकाशमान होते हैं। तो भगवान का शरीर, भगवान का रूप, भगवान की आकृति कैसी लगती है? तो भगवान का रंग आदिनाथ भगवान का स्वर्ण जैसा था। तो सिंहासन पर भगवान ऐसे शोभित होते हैं जैसे उदय पर्वत, उदयाचल जिसको कहते हैं, उसके पीछे से उगता हुआ सूर्य उस पहाड़ के ऊपर शोभित होता है। सूर्य रहता आकाश में लेकिन पहाड़ के पीछे से उगता हुआ यहां से दिखाई देता है, इसलिए उस पहाड़ को उदयाचल कहते हैं। तो उदयाचल पर जैसे सूर्य जगमगाता है, उसकी किरणें उस पर्वत के ऊपर लगे हुए वृक्षों में से छन कर इधर उधर बिखरती है, तो वो सतरंगी आभा जैसे दिखाई देती है, इंद्रधनुष जैसे कई रंग उसमें दिखाई देते हैं। तो वैसे ही सिंहासन पर जो रत्न लगे हैं उसमें से किरणें निकलती है, तो वैसे ही रंग दिखाई देता है,
और ऊपर भगवान सूर्य के समान जगमगाते हैं, तो सिंहासन के ऊपर विराजमान जिनेंद्र भगवान ऐसे लगते हैं मानो उदयाचल के ऊपर सूर्य जगमगा रहा हो। फिर चंवर प्रातिहार्य, सिंहासन का स्पर्श नहीं करते भगवान। सिंहासन धरती से कितने ऊपर होगा? भगवान सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर होंगे, और सिंहासन धरती से कितने ऊपर होगा? तो 5000 धनुष, ये याद रखने की चीज है। फिर चंवर प्रातिहार्य के साथ भगवान की शोभा का वर्णन है कि भगवान के दोनों तरफ 32-32 यक्ष देव अपने हाथों में चंवर लेकर के उसको डुराते हैं। तो चंवर डुराते समय पहले ऐसे नीचे ले जाते हैं, फिर ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। चंवर ऐसे ऊपर से नहीं डोरे जाते, चंवर का क्रम ये है, सबसे पहले ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर करेंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर। तो वो 32-32 यक्ष देव इस तरफ 32, इस तरफ 32, जब भगवान के आसपास चंवर डुराते हैं तो भगवान की काया 500 धनुष विशाल और यक्ष देवों की अवगाहना छोटी होती है। तो वो जब चंवर डुराते हैं तो भगवान के शरीर का जो किनारा है वो सुमेरु पर्वत के स्वर्णिम तट जैसा दिखाई देता है, और वो जो चंवर ऊपर नीचे हो रहे हैं, चंवर के जो सफेद सफेद केश होते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान के जन्माभिषेक के समय जो क्षीर सागर के जल से बड़े बड़े कलशों को भरकर धाराएं की जाती है, तो वो धाराएं बह रही हों। और फिर ऐसे जैसे ऊपर होते हैं वो बाल, तो ऐसा लगता है कि उन धाराओं में से कुछ छींटे सुमेरु पर्वत की चट्टानों से टकरा करके इधर उधर ऊपर नीचे उछट रहे हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। भगवान तीर्थंकर के 64 चंवर होते हैं, चक्रवर्तियों के 32 होते हैं, अर्ध चक्रवर्तियों के 16 होते हैं और मंडलेश्वरों के 8 चंवर होते हैं, और सामान्य राजाओं के तो 1 चंवर पर्याप्त है, बस बैठे हुए राजा। फिर 3 छत्र प्रातिहार्यों का चित्रण कि शशांक कांत, छत्र हमेशा सफेद होते हैं। हाँ, कहीं पर श्रावक लोग अपनी भक्ति से स्वर्ण छत्र लगाते हैं तो स्वर्ण छत्र सफेद नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के समवसरण वाले जो 3 छत्र होते हैं वो सफेद होते हैं। चंद्रमा जैसे मनोहर ऊंचाई पर स्थित होते हैं, एकदम सिर के पास नहीं होते, यानी टोपी जैसी स्थिति नहीं होती, किंतु सिर से कुछ ऊपर रहते हैं। और मंदिर जी में भी छत्र यदि ऊपर हो तो फिर अभिषेक करते समय कलश छत्रों से टकराएगा नहीं, और ये बड़ी उत्तम बात है। कभी भी अभिषेक के समय कलश और छत्र में टकराव नहीं होना चाहिए, वो अशुभ है। तो छत्र कुछ ऊंचाई पर रहते हैं, और स्थगित भानु कर प्रताप, छत्री के समान सूर्य किरणों के घाम को वो छत्र रोक लेते हैं। सबसे नीचे छोटा छत्र होता है कि बड़ा छत्र? पक्का सब? तो इसका दृष्टांत क्या दिया है शास्त्रों में? मनुष्य की नासिका। मनुष्य की नासिका जिस प्रकार ऊपर सक्रिय और नीचे चौड़ी होती है, उसी प्रकार छत्र सबसे ऊपर वाला छोटा होता है, बीच वाला मध्यम होता है, और नीचे वाला बड़ा होता है। जैनेतर मंदिरों में बहुत से छत्र ऊपर बड़े, उसके बीच वाला वही है मध्यम, और सबसे नीचे वाला छोटा रखा जाता है। अब जैन मंदिरों में भी कहीं कहीं पर ऐसा करने लगे हैं लोग, लेकिन मूल पद्धति वो है जो पहले बतलाई थी। तो ऐसे 3 छत्र, उन छत्रों की किनारियों पर मोतियों के गुच्छे बड़ी सुंदर तोरण रचना में लटकते रहते हैं 3 छत्रों में,
और वो तीन छत्र आप तीन लोक के नाथ हैं, इस बात को प्रकट करते हुए शोभित होते हैं। तीन छत्र क्यों हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ऊर्ध्वलोक के भी स्वामी, मध्यलोक के भी स्वामी और अधोलोक के भी स्वामी है। त्रिलोकी नाथ है जिनेंद्र भगवान। फिर दुंदुभि प्रातिहार्य है। दुंदुभि कहते हैं नगाड़े को। ये ताल वाद्य होता है, तो ताल वाद्यों में दुंदुभि वाद्य नगाड़ा होता है। और इसकी कुल गणना समवसरण में, तीर्थंकर भगवान के समवसरण में 12.5 करोड़ होती है। और ऐसा मत समझना कि केवल नगाड़े बजते होंगे, साथ में अन्य बहुत प्रकार के वाद्य देवता लोग बजाते हैं। और क्या सुंदर संगीत होता होगा, ये अपनी कल्पना से परे है। क्योंकि जब यहाँ के संगीतकार, जो पुराने संगीतकार थे, वो संगीत निर्देशन करते थे और किसी भावनात्मक गीत में अलग अलग वाद्यों को व्यवस्थित करके जब उन कलाकारों से बजवाते थे, तब जो ध्वनि उत्पन्न होती थी, उस ध्वनि को सुनने मात्र से सुनने वाले की आंखों से पानी निकल आता था। जैसे तार शहनाई का प्रयोग कल्याण जी आनंद जी ने सीता की व्यथा कथा प्रकट करने वाले एक गीत में किया है। अब तो आओ धनुष के धारी, रावण के यहाँ सीता श्री राम के स्मरण में व्यथित है, आकुल व्याकुल है। तो उस गीत में जो शब्दावली है वो भी बड़ी गंभीर है और संगीत भी उसके अनुरूप दिया गया है। तो वहां पर जब सीता कहती है कि कल तक थी जो महलों की दुल्हन, हे राम आकर के देखो आज वो सीता क्या है। आज यहां पर शब्दों के बाण सहती है और सारी वेदना उस गीत में भर दी है। और उस समय जो तार शहनाई का प्रयोग किया गया है, उस तार शहनाई को सुनकर सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। तो जब मनुष्य लोक में ऐसा संगीत होता है तो समवसरण में कैसा होता होगा, इसकी कल्पना करो आप। हमने दृष्टांत इसलिए दिया। तो ऐसे 12.5 करोड़ नगाड़े बजते हैं, गंभीर और तार रव उच्च ध्वनि वाले, और उस ध्वनि से पूरित दिग विभाग है। जिस दिशा में भगवान विराजमान होते हैं उस दिशा के विभाग को उस ध्वनि से नगाड़ा भर देता है। माने उस दिशा में नगाड़े की ऐसी आवाज होती है कि सुनने वालों को लगे कि अरे चलो भगवान वहां विराजमान है। तो सब लोग भागे भागे आते हैं। जैसे आज भक्तामर पाठ होने वाला था तो सब लोग आ गए ना। और कैसा है वो त्रैलोक के लोग शुभ संगम भूति रक्षा, तीनों लोक संबंधी जो प्राणी हैं उन सबको सत समागम की प्राप्ति कराने में वह नगाड़ा दक्ष होता है, कुशल होता है। और सत धर्मराज जय घोषण घोषक, सच्चे धर्म के राजा तीर्थंकर भगवान हैं, उनके जय घोष का उद्घोषक होता हुआ ते यशस प्रवादी, आपके यश को बतलाने वाला नगाड़ा खेत ध्वनि आकाश में बजता है। कौन बजाते हैं? डर कर क्यों बोल रहे हो? देवलोक बजाते हैं, खुलकर बोलो। फिर इसके बाद जो पुष्प वर्षा होती है समवसरण में, फूलों की बरसात होती है, मंदार और नमेरु यानी रुद्राक्ष, पारिजात, संतानक आदि विभिन्न प्रकार के कल्प वृक्षों के फूल देवलोग अपने विमानों से लेकर के आते हैं। उन विमानों में जो वन होते हैं, बगीचे होते हैं, वहाँ के ये कल्प वृक्ष संबंधी फल फूल देवलोग लेकर के आते हैं और उनकी उत्कृष्ट वृष्टि ऊपर से गिरती है। और उस वृष्टि में विशेषता क्या है कि उसके साथ सुगंधित जल की वर्षा भी होती है और वो जल बहुत बारीक कणों के रूप में होता है। जैसे मूसलाधार बारिश गिरती है वैसा नहीं,
नहीं तो समम शरण के सारे श्रोता भीग जाए और परेशान हो जाए गीले कपड़ों में, वैसी स्थिति नहीं होती। बहुत बारीक जल कण जो होते हैं, जिसको सावन की झड़ी में आप देखते ना, जब एकदम हल्की सी फुहार आती है और अपने बालों में वो पानी एकदम अलग अलग बारीक 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 कणों के रूप में आ जाता, अपन भीगते नहीं उसमें लेकिन पानी जरूर गिरता रहता है। तो उस प्रकार के फुहार के साथ वो पुष्प वर्षा होती है और वो वर्षा शुभ मरुत प्रशस्त वायु के साथ होती है। मतलब जब फूलों की वर्षा होती है तो साथ में मंद सुगंधित पवन भी प्रवाहित रहता है और मंद प्रपात होता है उसका। वायु के दबाव के कारण वो फूल अकस्मात नहीं गिरते, भड़ 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 नहीं गिरते। जैसे दूल्हे के ऊपर आप ऊपर से खड़े होकर टपकाते हैं ना, फूल बरसाते हैं, तो वो फूल नीचे गिरते समय शीघ्रता से गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर समव शरण में वो फूल ऐसे धीमे 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 लहराते हुए आएंगे और फिर सारे के सारे फूल ऐसे गिरते हैं ऊपर की तरफ मुंह करके, उनका डंठल नीचे रहता है, ऊर्ध्वमुखी होकर के गिरते हैं। भगवान के चरणों में गिरने वाला अधोमुखी कैसे हो सकता है? अधोमुखी यानी दुर्गति का पात्र कैसे हो सकता है? वो सारे पुष्प ऊर्ध्वमुखी होकर के गिरते हैं तो वो संदेश देते हैं कि हे प्राणियों, तुम भी भगवान के चरणों में गिरो तो ऊर्ध्वमुखी हो जाओ। भगवान के चरणों में नमस्कार करने वाला ऊर्ध्वमुखी यानी ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, सदगति का पात्र बनता है। तो इस तरह वो जो फूल गिरते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है, आचार्य मानतुंग स्वामी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि जैसे भगवान की वाणी ही फूल बनकर के बरस रही है, भगवान की दिव्य ध्वनि ही पुष्पों का रूप धारण करके बरस रही हो और फूलों की इतनी वर्षा होती है वहां पर समोसरण में कि उस काल के जो मनुष्य समोसरण में प्रवेश करते हैं उनके घुटनों तक फूल भरे रहते हैं। कहां तक? घुटनों तक पूरे फूल भरे रहते हैं समोसरण में, इतनी पुष्प वृष्टि होती है देवताओं के द्वारा। लेकिन जब मुनिराज का आगमन होता है तो वो फूल स्थान दे देते हैं, वहां से खिसक जाते हैं और मुनिराज अंदर चले जाते हैं। फिर इसके पश्चात 34वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान के आभा मंडल का चित्रण करते हुए उनकी स्तुति की है कि भगवान का आभा मंडल हे विभो ते प्रभावलय, आपका जो प्रभावलय है शुंभत देदीप्यमान है, जगमगाने वाला है और उसकी बड़ी भारी विभा आभा है। और वो आभा कैसी है? तीनों लोक में जितने भी द्युतिमताम प्रकाशमान पदार्थ हैं उनकी कांति को आक्षिपंती फीका करने वाली आभा है। जैसे लाइट जला दो तो दिए का प्रकाश फीका हो जाता है और सूरज उगा है तो लाइट का प्रकाश फीका हो जाता है। दुनिया के जितने प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सब का प्रकाश भगवान के भामंडल की आभा में फीका हो जाता है। और प्रोद्युत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, एक साथ अंतराल रहित बड़ी भारी संख्या में सूरज उगे, करोड़ों सूर्य यदि एक साथ उग जाए तो कितना प्रकाश होगा। तो दीप्त्या उज्ज्वलता की अपेक्षा से भगवान के आभा मंडल की आभा करोड़ों सूर्यों के बराबर। लेकिन तो भी मन में शंका होगी कि जब एक सूर्य को आदमी देख नहीं पाता तो इतनी तीव्र आभा को दर्शक कैसे देखते होंगे। तो आचार्य कहते हैं कि सोम सौम्या, भगवान के आभा मंडल की आभा चंद्रमा के समान सौम्य होती है, शीतल होती है। भले करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रखर हो, तेज हो, लेकिन आंखों को कष्ट नहीं देती किंतु दर्शक के भव भव के कष्ट को नष्ट कर देती है। दर्शक को अपने सात जन्म दिखाई देते हैं भगवान के आभा मंडल में, सात भव दिखते हैं। और निशाम अपि जयति, रात्रि को पास नहीं फटकने देती, जहां भगवान विराजमान होंगे वहां कभी रात नहीं होगी। फिर ये 35वां काव्य है, 35वें काव्य में चार रेफ है, चार विसर्ग है, तो चार और चार आठ,
और 35 का जो अंक है उसमें 3 और 5 भी 8 होते हैं, और प्रातिहार्य का नंबर भी 8वां ही है। और इसी दिव्य ध्वनि से मुनिजन अपने 8ों कर्मों पर विजय भी प्राप्त करते हैं। माने 8 का अंक बहुत सुंदर ढंग से इस काव्य में जुड़ जाता है। तो स्वर्ग और मोक्ष के जाने के रास्ते को जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि इष्ट है, माने एक सही नक्शा है दिव्य ध्वनि। उस नक्शे को देख लो फिर वहां पहुंचा जा सकता है पुरुषार्थ करके। और सच्चे धर्म का स्वरूप बतलाने में एक पटु अद्वितीय कुशल दिव्य ध्वनि। तीनों जगत के लिए सच्चे धर्म का स्वरूप दिव्य ध्वनि जैसा बतलाती है वैसा कोई नहीं बतला सकता। और भगवान की दिव्य ध्वनि विस्तारार्थ स्पष्ट अर्थ सहित होती है। जैसे कभी यहां पर कोई नया शब्द हम बोल दे तो आपको समझने में कठिनाई हो जाए, लेकिन भगवान की वाणी में जो भी आता है वो सबको स्पष्ट समझ में आता है, किसी को समझने में कठिनाई नहीं होती। और कैसी होती है दिव्य ध्वनि? सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे, सर्व भाषा रूप स्वभाव से परिणमन करती है। यानी वहां जितने लोग बैठे हुए हैं सबको अपनी अपनी भाषाओं में वो दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। ये उसका स्वभाव है दिव्य ध्वनि का, कि वो वहां बैठे हुए श्रोता के कानों में जाकर के उसकी भाषा में बदल जाए। गुजराती के कान में जाकर गुजराती में बदल जाए, मराठी वाले के कान में जाकर के मराठी में बदल जाए। मतलब कोई संसार का लिंग्विस्टिक कंप्यूटर भी इतना सक्षम नहीं है जो इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हो सके। 700 लघु भाषाओं में और 18 भाषाओं में दिव्य ध्वनि परिवर्तित होती है। तो ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है भगवान। फिर इसके पश्चात कहा कि जब दिव्य ध्वनि हो जाती है और किसी स्थान के भव्य जीवों को पर्याप्त धर्मोपदेश मिल जाता है तब फिर भगवान विहार करते हैं। तो विहार की छटा कैसी होती है? तो विहार करते समय जिनेंद्र भगवान जब गमन करते हैं तो उनके चरणों के नीचे देवलोक कमलों की रचना करते हैं, स्वर्ण कमलों की। और स्वर्ण कमलों की जो रचना होती है उसके मध्य भाग में जो केसर वाला हिस्सा होता है कर्णिका वाला, उसमें पद्मराग मणि की केसर होती है। तो भगवान के चरण स्वर्ण के समान, उन्नित्र हेम नव पंकज पुंज कांति, खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समूह के समान कांति वाले भगवान के चरण, पर्युल्लसन नख मयूक शिखाभिराम, चारों तरफ बिखरती हुई नख की किरणों की शिखाओं से अभिराम सुंदर। ऐसे जो भगवान के दोनों चरण हैं वो जहां पर पदानि धत्त पैर रखते हैं तत्र विबुधा पद्मानि परिकल्पयन्ति, वहां पर देवलोक कमलों की संरचना कर डालते हैं। और जहां भगवान के चरण है वहां एक कमल, और आगे पीछे आजू बाजू चार दिशाओं में, चार विदिशाओं में, चार अंतर दिशाओं में और चार मध्य दिशाओं में, इस तरह कुल 32 पंक्तियों में 7-7 कमल होते हैं। और बीच में जहां भगवान के चरण है वहां पर एक कमल होता है। तो 7 का 32 से गुणा कर दीजिए 224, और जिस पर भगवान ने पैर रखे हैं वो 225वां कमल। कुल 225 कमलों की रचना होती है। और भगवान जितना आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे के कमल वहां से गायब हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं। फिर 37वें कमल में आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार हे जिनेंद्र, धर्मोपदेश की प्रक्रिया में जैसी विभूति आपकी हुई थी वैसी अन्य किसी उपदेष्टा की नहीं हुई। जैसी किरण सूर्य की होती है, अंधकार को पूरी तरह नष्ट करने वाली जैसी किरण सूर्य की होती है, वैसी प्रभा प्रकाशमान होने पर भी ग्रहों के समूह में नहीं हो सकती। देखो ग्रह भी चमकते हैं ना। देखो गुरु का उदय हो या शुक्र का उदय हो या बुध का उदय हो, तो बुध गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह बहुत चमकते हैं। लेकिन चमकदार होने पर भी जो प्रभा सूर्य किरण में होती है जो आभा, वो इनमें नहीं हो सकती। इसके बाद फिर 8 संकटों का निवारण बतलाकर अंतिम काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने 8 संकटों के निवारण का अपन जो रिविजन है जिसको अपन कहते हैं दोहराना,
उसको अपन करेंगे अभी, लेकिन अभी 48वें काव्य का जो अर्थ रह गया था वो हम आपको बतला दें। हे जिनेन्द्र, तव गुणे ही निबद्धाम, आपके गुणों से निबद्ध यानी गूंथी हुई, रची हुई, और विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, अनेक प्रकार के अक्षर रूपी रंग बिरंगे पुष्पों वाली स्तोत्र सृजन, मया भक्त्या निबद्धाम, मैंने भक्ति पूर्वक रची है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अनेक रंगों वाले फूल इस स्तुति रूपी माला में इसके अक्षर हैं। अक्षर रूपी रंग बिरंगे फूलों से मैंने ये स्तुति रूपी माला बनाई है, और इस माला में जो डोर है, माला में डोर जरूरी है ना, अकेले फूलों को ऐसे रख देने से तो माला बनती नहीं, बीच में एक डोर चाहिए, तो वो डोर कौन सी है? तव गुण ही, भगवान के गुण ही डोर है, और अक्षर इसके रंग बिरंगे फूल है। तो ऐसी जो माला मैंने, मया भक्त्या निबद्धाम, मैंने भक्ति पूर्वक रची है, इस माला की रचना मैंने किस कारण से की है? मुझे बेड़ियों में बांध दिया है राजा ने, इसलिए 48 ताले लगा दिए, इसलिए नहीं, भक्तिवश मैंने इस स्तुति की रचना की है। तो यह जना जो मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस जगत में अजस्त्रम कंठ गताम धत्ते, इस माला को अजस्त्र यानी 24 घंटे निरंतर सतत हमेशा कंठ गताम धत्ते, कंठ में पहने रखता है, यानी जो 24 घंटे भक्तामर को कंठस्थ रखता है, तब मानतुंगम, वो मानतुंग यानी सम्मान से प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि मालाएं सबके गले में नहीं डाली जाती, जो सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसी के कंठ में माला डाली जाती है, और प्रतिष्ठित व्यक्ति इधर उधर अपना सिर नहीं टेकता, प्रतिष्ठित व्यक्ति हर जगह जाकर के नमस्कार नहीं करता, सब जगह जाकर के हाथ नहीं जोड़ता, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो जो अपने से बड़े होंगे या फिर जो वास्तव में आदरणीय होंगे उन्हीं के सामने वो माथा झुकाता है। और इसमें भी जो अनन्य भक्ति होती है वो चमत्कारी होती है, जो भक्ति एक क्षण इधर है और दूसरे क्षण उधर है वो किसी काम की नहीं होती। तो वो जो सम्मानित, सम्मान से तुंग यानी प्रतिष्ठित उन्नत जो मनुष्य है, जिसके कंठ में भक्तामर रूपी माला है, भक्तामर की माला भी हर कंठ में नहीं होगी, सब लोग कहाँ कंठस्थ करते हैं भक्तावर को, तो जिसके कंठ में वो माला आ जाती है उसको अवश लक्ष्मी समुपैति, अवश लक्ष्मी, जो लक्ष्मी किसी के वश में नहीं है, पुण्य के भी वश में नहीं है, ऐसी कौन सी लक्ष्मी है जिसको पुण्य भी अपने वश में नहीं कर सका, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, तो वो अवशा लक्ष्मी तम समुपैति, उस मानतुंग को, अर्थात उस सम्मान से प्रतिष्ठित मनुष्य को जिसने गले में भक्तामर की माला पहनी है, उसको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करती है। तो इस तरह 48 काव्यों के अर्थ तो हो गए, अब अपन इसका पूरा पाठ करते हैं, और जो बचे हुए काव्य हैं उनके अर्थ तो अपन ने पहले देख लिए थे, उनको अपन फिर दोहरा लेंगे जब समय निकलेगा। अभी अपन पूरे भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे। 48वें काव्य के बारे में एक बात हम कहना चाहते हैं कि भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अनन्य होनी चाहिए माने कि डावाडोल नहीं होना चाहिए मन। एक मुनि महाराज ने दृष्टांत सुनाया था, एक छोटा सा एक दृष्टांत, कौन सा दृष्टांत? वो दृष्टांत ऐसे ही एक किस्सा समझ लो या जो भी समझ लो आप, सत्य घटना तो शायद ना हो, लेकिन फिर भी उसमें से जो सार है वो ग्रहण करना है। घटना ऐसी थी कि दो मित्र बाढ़ के समय
सोचते हैं कि चलो नदी पार कर लें क्योंकि बहुत जरूरी काम है उस तरफ, और दोनों एक नाव में बैठ करके नदी पार करने लग जाते हैं। अब बीच में जब नाव पहुंचती है तो पता चलता है कि गलत नाव अपन ने उठा ली है, इसमें तो पानी भर रहा है, अब क्या करोगे। तो जब नाव में पानी भरता है तो या तो वो पानी खाली करते जाओ, खाली करते जाओ, कब तक खाली करें, और या फिर जहां से पानी प्रवेश कर रहा है उस स्थान को बंद कर दो, या फिर नाव से बाहर निकलकर तैर के उस तरफ चले जाओ, और कोई चारा नहीं। ये तीन विकल्प होते हैं। या फिर अगर कोई और किसी का दिमाग चलता हो तो फिर वो वहां बैठ करके अपनी मृत्यु का इंतजार कर सकता है। अब चलो भाई डूबने ही वाले हैं तो बस मरने के पहले प्रभु नाम जप लो, ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो उन दोनों ने क्या किया, दोनों को तैरना नहीं आता था, तो उनमें से एक जो था मुसलमान भाई था, उसने या अल्लाह अपने इसका उच्चारण किया, और तुरंत कहीं से कोई ऐसी शक्ति आई, क्योंकि शक्तियां रहती है नदियों में, वनों में और सब जगह श्मशानों में, तो कोई शक्ति आई और उसकी भक्ति से प्रभावित होकर के उसने उसको किनारे पर पहुंचा दिया। अब जो दूसरा था वो देखता है कि अरे वाह, ताकत है भगवान के नाम, इसने नाम लिया अपने भगवान का और तुरंत इसकी जान बच गई, अब मैं भी नाम लूं। तो फिर वो हाथ जोड़ता है, आंख बंद करता है, फिर थोड़ी सी आंख खोल करके देखता है कि पानी कितना भरा है, घबराहट होती है उसको, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर हे राम, राम का स्मरण करता है। तो राम का स्मरण करने पर किसी शक्ति को इसकी तरंग महसूस होती है, वो इसकी रक्षा के लिए नदी की तरफ आती है, लेकिन तब तक ये फिर से आंख खोल करके देखता है कि पानी तो ज्यादा भर रहा है, अब क्या करें। तो फिर वो सोचता है कि हो सकता है राम व्यस्त हो कहीं पर, चलो अपन दूसरा ट्रायल करते हैं। तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण का स्मरण करता है। तो फिर वो राम वाली जो शक्ति आई थी वो सोचती है कि अब ये तो राधे कृष्ण का नाम ले रहा है, अब हम क्या करें। वो वापस हो जाती है और राधे कृष्ण वाली शक्ति आती है, तब तक ये फिर से आंख खोल करके देखता है कि नाव तो बहुत भरती जा रही है, मन में घबराहट होती है। तो फिर जय बजरंग बली, तो राधे कृष्ण वाली शक्ति सोचती है कि ये तो जय बजरंग बली बोल रहा है भाई, अपना क्या काम है यहाँ। वो वापस लौट जाती है तो फिर पानी और भर जाता है, ये और घबराता है, ये सोचता है कि सभी शक्तियां व्यस्त है, सही बात है, अभी बाढ़ का समय चल रहा है तो कई भक्त संकट में होंगे, तो सारी शक्तियां उनको बचाने में व्यस्त होगी, लगी होगी, अब क्या करूं मैं। तो फिर सोचता है कि आजकल माता जी का जमाना है, जय माता जी बोलता है। तो फिर वो तीसरी शक्ति वापस हो जाती है बजरंग बली वाली, वो सोचती है कि अरे ये तो माता जी का नाम ले रही, अपना क्या काम है यहाँ। तो वापस लौट जाती है और तब तक पानी इतना भर जाता है कि बस नाव डूबने को होती है, और उसी समय उसकी बुद्धि में अपनी भूल का एहसास होता है। वो सोचता है कि देखो मैं कितना बड़ी भूल कर रहा हूँ, सबसे बड़ी भूल मेरी ये है कि हर मंगल कार्य में, हर प्रमुख कार्य में सबसे पहले किसका स्मरण किया जाता है यही भूल गया था मैं। सबसे पहले श्री गणेश किया जाता है, गणपति बाप्पा का स्मरण किया जाता है। तो फिर उसने उसी समय जब माताजी वाली शक्ति आ रही थी उसको बचाने के लिए, उसने तुरंत गणपति बाप्पा मोरिया बोल दिया, तो माताजी वाली शक्ति वापस।
उसको लगा कि भाई ये तो गणपति बाप्पा का नाम ले रहा है, अब अपन क्या करें यहाँ, वापस चले जाती है। तब गणपति बाप्पा मोरिया जैसे उसने बोला तो गणेश जी को लगा कि भक्त संकट में है, तो चलो अब अपन किसी शक्ति को न भेज करके स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो फिर उसी स्टाइल से वो आए, जैसे फिल्मों में संतोषी माता उतरती है ना ऊपर से, तो वैसे गणपति बाप्पा वहां से ऊपर से आए और फिर यहाँ नदी के तट पर खड़े हो गए। और नदी के तट पर खड़े होकर के उसकी तरफ देखा और उसी समय नाव ऐसे नीचे पानी में जाने लगी, और इसकी भी दृष्टि अचानक नदी के तट पर खड़े हुए गणपति बाप्पा पर पड़ गई। तो फिर इसने पुकारा कि भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, आप आ गए, मैं सौभाग्यशाली हूं, आप स्वयं आ गए। तो गणपति बाप्पा ऐसे हाथ करके खड़े हो गए। वो दंग रह गया कि अरे ये क्या है, अरे भगवान भक्त डूब रहा है और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, रक्षा कीजिए। त्राही माम हे भगवान, त्राही माम, रक्षा की पुकार करता है। तो गणपति बाप्पा नृत्य करने लग जाते हैं। सब कलाओं के विधायक माने जाते हैं गणपति बाप्पा। मराठी में ऐसे कई भजन भी है, सकल कलांचा तू अधिनायक, गणपति बाप्पा को लेकर। तो फिर वो नृत्य कला प्रस्तुत करने लग गए। तो भक्त बोलता है कि भगवान ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, भक्त डूब रहा है और आप नृत्य कर रहे हो। गणपति बाप्पा बोलते हैं कि तेरा चेहरा बताता है तेरी भक्ति को, तेरी भक्ति कितनी पक्की है ये स्पष्ट मेरी समझ में आ गया है, इसलिए अब तू मेरा नृत्य देख ले अंत समय में। बोले भगवान आप रक्षा नहीं करोगे, मेरा अंत आने दोगे, आप तो बचा सकते हैं, आप तो शक्तिमान है। तो गणपति बाप्पा कहते हैं कि देख मैं इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम गणेशोत्सव के बाद जब मेरा विसर्जन करने जाते थे तो कितने नाचते थे, अब तुम्हारा विसर्जन हो रहा है मैं नाचूंगा। तो इस प्रकार उसका अंत हो गया और उसकी रक्षा नहीं हो सकी। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है तो मनोरंजक घटना जैसी, लेकिन इसका सारांश केवल इतना है कि सच्ची भक्ति ही कार्यकारी होती है, स्वार्थियों की भक्ति काम नहीं आती। भगवान के गुणों से अगर सच्चा प्रेम हो तो उसका नाम है भक्ति। और मुसीबत आ गई अपने ऊपर तो अपन भगवान के पास आ गए कि भगवान मेरा काम कर दो, तो ये तो स्वार्थियों वाली भक्ति हो जाएगी। अगर अपने अंदर सच्ची भक्ति होगी तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, सच्चे गुरु की सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अब अपन भक्तामृत प्रारंभ करते हैं पाठ, ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की। सामने आ जाइए, समय अधिक मत लगाइए,
व्यवस्थित बैठ जाइए। सबसे पहले अपने सभा भवन को आदिनाथ भगवान के स्मरण पूर्वक भक्तामर का जो एक प्रसिद्ध मंत्र है उसका उच्चारण करके शक्ति से भर देते हैं। मंत्र शक्ति से इस पूरे सभा भवन को अपन एक प्रकार से चार्ज कर लेते हैं और इसके बाद फिर अपन स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। आप लोग बिल्कुल शांति से आंख बंद करके इस मंत्र की ध्वनियों को सुनिएगा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। आदिनाथ भगवान को भक्तिपूर्वक नमस्कार करें। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगतत्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्
सोहन तथा पितव भक्ति वशान मुनीश। कर्तुंस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्। नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। तच्चामृचारु कलिका निकरैक हेतु। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम्। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम्। आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु। सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद्। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतान् नलिनीदलेषु। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। आस्तान्तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम्। त्वत्सङ्कथापि जगतान् दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। नान्यत्
त्रितोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापयः शशिकरत् द्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारञ्जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरन् न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध
सिद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोह महांधकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनान् निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर् जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयन् त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलन् तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः त्वां
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्य मसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोद्धर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्
शशांक शुचि निर झरवारी धार। मुच्चैस्तटन सुर गिरे रिवशात कौंभम। त्रयंतव विभाति शशांक कांत। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्। ख्यापयत्री जगतः परमेश्वरत्वम्। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस्। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन्। खेदुन्दुभिर् ध्वनति ते यशसः प्रवादी। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। दिव्या दिव पतति ते वच शांत तिर्वा। शुंभत प्रभावलय भूरि विभावि भोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः। सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः। दिव्यध्वनिर् भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। परिकल्पयन्ति
यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि स्युतन्मदा विलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद् भ्रमरनाद विवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नीभ कुम्भकलदुज्ज्वलशोणितात् मुक्ता फलप्रकरभूषितभूमिभागः क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचलसंश्रितन्ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवन्निकल्पम् ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम् तीक्ष्णं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजौ बलं बलवतामरिभूपतीनाम् दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात् तम इवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे
जयं विजित दुर जय जय पक्षास तत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड्ड वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यान्दशामुपगताश च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरद ध्वज तुल्य रूपाः आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड्ड कोटि निगृष्ट जंघाः त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेव यस्ताव कंस्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजन् तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनोय इह कंठगतामजस्रम् तम्मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी आंखें बंद रखते हुए भक्तामर की इन मंगलमयी तरंगों का एहसास कीजिए। अपने शारीरिक मानसिक
भावनात्मक, पारिवारिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के रोगों का इन तरंगों में उपचार है। आचार्य मानतुंग स्वामी की तपस्या से निकली हुई यह स्तुति असाधारण है। तपस्वी के वचनों में भी पवित्रता होती है, शक्ति होती है। अब बड़ी श्रद्धा के साथ भक्तामर स्तोत्र को, आचार्य मानतुंग स्वामी को और आदिनाथ प्रभु को नमस्कार करते हुए हाथ जोड़कर एक बार प्रणाम करके फिर आंखों को खोलेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान। आचार्य मानतुंग स्वामी की आचार्य श्री अब अंत में वो प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी, दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी, रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी, हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी, हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी, सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बड़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी, बढ़े धन संपदा भारी, नहीं
नहीं यह प्रार्थना स्वामी, रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बर्ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, कभी ना आपको भूलें, यही है भावना स्वामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। ओम शांति।